स्वागत है जी आप सभी का। एक खास प्रोग्राम इस वक्त करेंगे जसमीत भाटिया जी के साथ। सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए है जनवरी इनटेक की एडमिशन, और जनवरी इनटेक में अभी तक कितने कॉलेजेस ओपन हैं, किस तरह के बड़े प्रोग्राम्स ओपन हैं, और इसके साथ ही आज बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं कनाडा में जनवरी इनटेक के लिए जो रीजनेबल फीस जिनकी है और स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और जसमीत जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जसमीत जी और लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए अपना वीज़ा सक्सेस करा चुके हैं। तो आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए ऑनलाइन भी अपनी फाइल चला सकते हैं। आप 90413-90412 पर संपर्क कीजिए, अपना ईमेल कीजिए info@landmarkimmigration.com पे, और व्हाट्सएप भी अपना प्रोफाइल कर सकते हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जनवरी इनटेक के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं और किस तरह के कोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। सो हेलो एवरीवन, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी का यही सवाल है आज की डेट में जो भी मेरे से मिल रहा है कि सर जनवरी में क्या दोगे, और जनवरी में क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी, जनवरी में क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। सो आई विल टेल यू कि जो सितंबर 22 है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग एट अप्लाइंग फॉर जनवरी 23। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनवरी 23 के लिए ये लास्ट महीना हो सकता है, इसके बाद आप जनवरी 23 की शायद ही एप्लीकेशन कर पाएँ। थर्डली, अगर आप जनवरी 23 इनटेक मिस कर देते हैं तो शायद ही आप क्या कहते हैं वो कोर्स मई में ले पाएं, बिकॉज मई इज़ अ स्मॉल इनटेक। अगर जनवरी में कोई कॉलेज 100 प्रोग्राम्स रन करता है तो मई में वो 10 या 20 प्रोग्राम ही रन करता है। सो मई इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल इनटेक। सो मई में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप सितंबर 23 में जा पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक आज हम सितंबर 22 में बैठे हैं और हम सितंबर 23 की बात कर रहे हैं। सो आई फील यू शुड हरी अप एंड अप्लाई फॉर जनवरी 23 एज सून एज पॉसिबल, स्पेसिफिकली जिन्होंने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना है, स्पेसिफिकली जिन्होंने इस बार प्लस टू की है, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट देयर वन ईयर, स्पेसिफिकली जिन आईलेट्स करके अभी तक सोची जा रहे हैं कि मैंने अप्लाई करना है करना, और स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनकी ऑफर लेटर अप्लाई की हुई है बहुत सारे कॉलेजेस में बट वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि लैंडमार्क इमिग्रेशन में इस टाइम पे मोर देन 30 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विच आर पब्लिक आर अवेलेबल। बट ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में हर कोर्स अवेलेबल होगा। सपोज आज सेंट क्लियर की बात करते हैं तो 4-5 प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, पावर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, इसके अलावा 3 प्रोग्राम और अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। सो अगर मैं नॉर्दर्न की बात करूँगा तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, मेंटल एडिक्शन एंड हेल्थ का प्रोग्राम अवेलेबल है, बिजनेस प्रोग्राम अवेलेबल है, कंप्यूटर प्रोग्राम अवेलेबल है। बट अगर मैं कॉर्नरस्टोन कॉलेज की बात करूँगा तो सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ही ओपन, ऑल द PGs आर क्लोज। पर अगर फ्लेमिंग कॉलेज टोरंटो की बात करूंगा तो बिजनेस भी ओपन है, वहाँ पे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट भी ओपन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ओपन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ओपन है। तो अगर मैं नाइग्रा कॉलेज की बात करूंगा, सब कुछ ओपन है बट ऑफर नहीं आ रही है, सो ये प्रॉब्लम है। शेरिडन कॉलेज की बात करूंगा तो इस टाइम पे बहुत प्रोग्राम्स ओपन दिखा रहे हैं पर ऑफर नहीं आ रही है, सो ये सब दिक्कतें हैं। सो आप वहीं अप्लाई करें जहाँ पे ऑफर लेटर आने की उम्मीद है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ BC की बात करूँ, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट ओपन है, अलेक्जेंडर कॉलेज ओपन है, KPU में कुछ कोर्सेज ओपन हैं, NIC में कुछ कोर्सेज ओपन हैं, NLC में कुछ कोर्सेज ओपन हैं, सेलक्रिक कॉलेज में एक या दो कोर्स ओपन है, कॉलेज ऑफ द रॉकीज़ में एक या दो कोर्स ओपन है, कोस्ट माउंटेन कॉलेज में कोर्स ओपन है। सो बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास, अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शन है आप लोगों के पास। अगर ओंटारियो की बात करता हूँ तो धरम में 2-3 प्रोग्राम्स ओपन हैं, कॉर्नरस्टोन में 2-3 प्रोग्राम्स ओपन हैं, इसके अलावा सेंट क्लेयर ओपन है, नॉर्दर्न कॉलेज ओपन है, अलगोंकिन कॉलेज ओपन है, और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, फ्लेमिंग में कुछ प्रोग्राम्स ओपन हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें तो इस टाइम पे देर आर प्रोग्राम्स ओपन एंड देर आर प्रोग्राम क्लोज्ड ऑल्सो, बट यू शुड हरी अप इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जैन 23 इनटेक।
अच्छा, जनवरी इनटेक के लिए कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बंद हो चुके हैं या कुछ कोर्सेज जो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हैं? बिल्कुल बिल्कुल. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 30+ कॉलेजेस एंड देर आर मोर देन 60 अदर कॉलेजेस विच आर क्लोज्ड फॉर जनवरी इनटेक. अगर हम बात करते हैं तो सैनिका इज क्लोज फॉर जनवरी इनटेक, लैम्पटन इज क्लोज फॉर जनवरी इनटेक, सू कॉलेज इज क्लोज फॉर जनवरी इनटेक. सो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस टाइम पे जनवरी इनटेक के लिए क्लोज हो चुके हैं. सो बट स्टूडेंट्स, आई फील कि अगर आप ज़्यादा रिजिड नहीं ऑप्शंस को लेके, तो अभी भी आपको जनवरी 23 मिल सकता है. बिल्कुल ठीक है. देखिए, अप्रॉक्सीमेटली बड़ी संख्या में कॉलेजेस, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 50-60 कॉलेजेस, जैसे जसमीत जी ने कहा, उनमें कई कॉलेजेस और कई प्रोग्राम्स क्लोज हो चुके हैं और अराउंड 30 कॉलेजेस अभी अवेलेबल हैं और काफ़ी बड़े कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. जसमीत जी, अगर जनवरी इनटेक में हम देखें तो क्या जनवरी इनटेक 23 में गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिशन एक मेजर सक्सेस बनेगी इस बार भी? तो देखो, हमेशा ही मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज ही गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को. सो जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो दे आर मिसगाइडेड और या उन अपनी रिसर्च पूरी नहीं करते हैं या वो किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. सो मैं प्राइवेट कॉलेज नहीं कहूँगा किसी को अप्लाई करने के लिए. आपको पता है प्राइवेट कॉलेज पे कनाडा गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है. मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस सारे जो अनऑथराइज थे उनको बंद कर दिया गया, उनके ऊपर वर्क परमिट भी बंद हो गया. सो इस टाइम पे स्टूडेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में वर्क परमिट मिलते हैं. सो सिर्फ बीसी कैट से कुछ कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, जैसे अलेक्जेंडर कॉलेज अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट अप्रूव्ड है, जिनमें वर्क परमिट मिल रहा है. अदरवाइज कोई भी कॉलेजेस ऐसे नहीं हैं जिनमें वर्क परमिट्स आर अवेलेबल. सो आई विल एडवाइज यू कि आप बहुत ही केयरफुली अपना केस अप्लाई करें एंड प्रेफर करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले. बिल्कुल ठीक है जी. और आप कोशिश करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले. सरकारी कॉलेज, पब्लिक कॉलेज में ही आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलने की संभावना है. कोई भी जानकारी के लिए 9041390412 पे आप जसमीत जी को या इनकी टीम को आप कॉल कीजिए. थैंक यू सो मच जसमीत जी. थैंक यू सो मच.